600 जमा। आपको सुनकर हैरानी होगी, श्री श्री रविशंकर जी उनका पत्र आ गया कि हम आपके साथ इस पूरे अभियान में हैं। हमारे देश के महामंडलेश्वर बहुत 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 पूजनीय सत्यमित्रानंद जी गिरी, वो परसों हमारे साथ थे हरिद्वार में, उनका पूरा आशीर्वाद है कि अगर ये काम के लिए आप निकलते हैं तो मैं भी आपके साथ। मुरारी बापू जी का संपूर्ण आशीर्वाद इस बात के लिए। 15 बड़े साधु संत जिनके एक एक के एक एक कोटि से ज्यादा फॉलोअर हैं, एक एक कोटि से ज्यादा जिनके फॉलोअर, ऐसे 15 संत एक साथ भारत के 600 जिलों का प्रवास शुरू करने जा रहे हैं अगले 2 साल। और ये प्रवास इसी बात के लिए है कि हमको गैट करार नहीं चाहिए, मल्टीनेशनल नहीं चाहिए, WTO नहीं चाहिए, विदेशीकरण जो हो रहा है इस देश का वो नहीं चाहिए, कर्जबाजारी जो बढ़ रही है शेतकरी समाज की और देश की वो नहीं चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर जब साधु संत निकल रहे हैं समाज में, तो आप जान लीजिए परिवर्तन तो अब होगा इस देश में। क्योंकि जब भी भारत का सन्यासी और साधु निकला है तो उसने देश और समाज को बदला है। ये हमारा हजारों साल का इतिहास है, आप कभी भी उठा के देख सकते। साधु समाज, संत समाज जब भी निकला है, समाज उसके पीछे चला है। और हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था तो हमेशा संत समाज के नीचे रही है, संत समाज ऊपर रहा है, राज्य व्यवस्था हमेशा उसके नीचे रही है। संत समाज के आशीर्वाद से हमारे यहाँ राजा काम करते रहे हैं। आपको मालूम है भारत के महान महान राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, ये जितने बड़े महान महान चक्रवर्ती सम्राट हुए, इन सबका नियम था कि दरबार में अगर कोई साधु आ गया तो ये राजा अपना सिंहासन छोड़ता था और साधु सिंहासन पर बैठता। मतलब साधु के लिए, सन्यासी के लिए सिंहासन खाली है, राजा उसके चरणों में बैठता था। इसका मतलब यह है कि साधु समाज, संत समाज और धर्म सत्ता हमारी राज्य सत्ता को निर्देशित करती थी। तो जब तक भारत की धर्म सत्ता राज्य सत्ता को निर्देशित करती थी, तब तक भारत सोने की चिड़िया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय देख लो, भारत सोने की चिड़िया था। समुद्रगुप्त का समय देख लो, भारत सोने की चिड़िया था। हर्षवर्धन का समय देख लो, भारत सोने की चिड़िया था। सम्राट अशोक का समय देख लो, भारत सोने की चिड़िया था। जब जब धर्म सत्ता ऊपर रही है, राज्य सत्ता नीचे रही है, भारत सोने की चिड़िया रहा। लेकिन जब विदेशियों का हमला हुआ और विदेशियों ने आकर यहां पर साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो धर्म सत्ता पीछे चली गई, राज्य सत्ता ऊपर आ गई। तब से भारत नीचे रसातल में गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। और इतना गिर गया है कि अब उठने के लिए लोगों को भरोसा खत्म हो गया है कि ये देश फिर से उठ सकता है। गरीबी बढ़ी, व्यभिचार बढ़ा, पापाचार बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा। जब से हमारा समाज पीछे हो गया, राज्य सत्ता आगे हो गई, धर्म सत्ता नीचे आ गई, राज्य सत्ता ऊपर हो गई, सारी गड़बड़ी हो गई। अब फिर से धर्म सत्ता आगे आ रही है। स्वामी रामदेव जी धर्म सत्ता के प्रतीक हैं, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी धर्म सत्ता के प्रतीक हैं, महामंडलेश्वर जितने इस देश में हैं धर्म सत्ता के प्रतीक हैं, हमारे देश के जितने भी ऐसे महान महान मुरारी बापू धर्म सत्ता के प्रतीक हैं, आसाराम बापू धर्म सत्ता के प्रतीक हैं। तो ये धर्म सत्ता के प्रतीक ऐसे बड़े साधु पुरुष सन्यासी सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। 3 अप्रैल को हरिद्वार में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें घोषणा होने जा रही है। उस सम्मेलन के बाद ये घोषणा होगी और सारे देश में इन साधु संतों के प्रवास शुरू हो जाएंगे। अगले 2-3 वर्षों में आप देखेंगे नए नए लोग निकल कर आएंगे, नए नए पुढ़ारी निकल कर आएंगे, नए नए खासदार निकलेंगे, नए नए आमदार निकलेंगे, जो इन साधु संतों के आशीर्वाद से संसद और विधानसभाओं में जाएंगे और देश की व्यवस्था परिवर्तन करने का काम शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको ये व्यवस्था परिवर्तन के काम के लिए निमंत्रण देने आया, आपको निवेदन करने आया कि आप भी इस अभियान में जुड़ जाइए, शामिल हो जाइए। भारत स्वाभिमान का जो अभियान शुरू हो रहा है, आप भी इसके सक्रिय सदस्य बन जाइए। इसके सदस्य बनने के लिए जो भी माहिती है वो आपको यहाँ पतंजलि योग समिति के लोग दे देंगे, रवि भाई राणा भी आपको माहिती दे देंगे, उसके माहिती पत्रक हैं, वो आप ले जाकर ध्यान से पढ़ लीजिए। माहिती पत्रक भरकर आप उनको जमा कर दीजिए, जमा करके आप भी हमारे साथ सदस्य हो जाएंगे, फिर आप भी इस जिम्मेदारी में आ जाएंगे और आप भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। मैं ये कहते हुए मेरा व्याख्यान समाप्त कर रहा हूं कि इस WTO के खिलाफ की लड़ाई को, मल्टीनेशनल के खिलाफ की लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सभी का आभार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सद्गुरु रामदास।
या उक्तीप्रमाणे संतांचे आशीर्वाद पाठीशी घेऊन राजीवजी तुमच्या सर्व कार्यांना आम्ही सर्वजण मनपूर्वक अभिवादन करतो.